स्टूडेंट्स, आप सबने निकाली साइंस बुक पेज नंबर 118। हमारा जो लेसन नंबर 13 था, आज मैं आपको उसकी पीडीएफ सेंड करूंगी। उस पे आपको इसकी बुक वर्क भी मिलेगी और क्वेश्चन आंसर्स भी। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी साइंस नोटबुक्स पे इंडेक्स बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे इंडेक्स में लेसन नंबर 13, टॉपिक लिखेंगे फिर सोलर सिस्टम, और फिर उसके बाद आज का डेट जो है 20th September, ठीक है। उसके बाद इस लेसन की जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको राइट डाउन करनी है अपनी साइंस नोटबुक पे, उसके बाद ही आप पीडीएफ का काम अपनी कॉपीज पे उतारेंगे, ठीक है। और बुक वर्क वाला पोर्शन आप बुक्स पे करेंगे और नोटबुक का नोटबुक पे, ठीक है। बासित रियाज, पेज नंबर आपको निकालना है 118। मैं प्रीवियस लेसन का आपसे डिस्कस कर रही थी, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। आप लोगों ने सुना कि मैंने बोला कि आप लोगों को करना क्या है, मैंने बोला करना क्या है। हादी, आप अपनी माइक ऑफ रखो, आपकी माइक ऑलवेज इको होता है इसमें। पूरन फयाज, आप कहाँ थे परसों? मैं, मेरी मौसी की शादी थी। अच्छा, मैंने लीव रखी थी। मुझे इम्पोर्टेंट टर्म्स लिख के। हाँ कोई बात नहीं, फिर मोहम्मद नबील आप लोग क्या करेंगे, आप फिर सीधे क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो मैंने क्या, मैं मुझे लीव थी, मैं गया था हुरैन। कोई बात नहीं, मैंने सुना आप हुरैन की मासी की शादी पे गए थे, चलो ठीक है। मैं जो आपको मैम, आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स और क्वेश्चन आंसर सेंड किए? अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं सेंड नहीं करती हूँ, वो आपको खुद से लिखना होता है, वो आपको दिखा के है बुक पे। मैंने सीधे उस पे क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क दिखाई है, ठीक है। कल आपकी फिर कॉपी भी चेक होगी, इसलिए सारे बच्चे आज ये राइट डाउन करना जो पीडीएफ मैं सेंड करूंगी। आपकी क्लास कहाँ से है? फोर्थ भी? सुना आपने? अब आप अपनी साइंस बुक्स खोलिए, पेज नंबर 118, ठीक है। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एनवायरमेंट होता क्या है। एनवायरमेंट का मतलब हो गया माहौल, जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं ना, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, जितने भी लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में दोनों चीजें आती है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, ठीक है। आर एनवायरमेंट, आर सराउंडिंग्स फॉर्म आर एनवायरमेंट, यानी हमारे आसपास इर्द गिर्द जितना भी है अवेलेबल, उसको हम बोलते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनसे हमारी लाइफ जो है, हमारा सर्वाइवल जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, यानी हमारे सर्वाइवल पे जिन चीजों से असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट, ठीक है। इसमें आता है लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स या फिर अदर नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे एनवायरमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। यस मैम। स्टूडेंट्स, मैं आपकी माइक जो है वो ऑफ कर देती हूँ, ताकि बाकी सब बच्चों को भी फिर क्लियर सुनाई दे।
The living components are microorganisms, plants, animals, and people. और हमारे जो ये जो लिविंग एनवायरमेंट है उसमें कौन कौन आता है? एक तो हो गया पहले लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स. ये क्या, ये किस में आते हैं? लैंड, एयर, वाटर, ये आता है नॉन लिविंग पार्ट में. और जो हमारा लिविंग पार्ट है उसमें आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल्स, यानी जानवर, इंसान, पेड़ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने हैं वो आते हैं हमारे लिविंग पार्ट में. यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया लिविंग कंपोनेंट, दूसरा हो गया नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में आती है बेजान चीजें और लिविंग में आती है जानदार चीजें. यानी जितनी भी चीजों में जान है उनको हम बोलेंगे लिविंग कंपोनेंट्स, और जितने भी चीजों में जान नहीं है, जो बेजान चीजें हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इन्हीं दो चीजों से बना है, जिसमें लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें एक MI देके है बच्चे. अगर आप अपनी साइंस बुक खोलेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे पेज शेयर करती हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पेज नंबर 118 है, ये तो पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट हम बोलते किसे है? तो एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. इसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं. हमारे एनवायरनमेंट में क्या आता है? हमारा एनवायरनमेंट जो है इसमें बोथ लिविंग थिंग्स भी आते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन सी चीज है जो हम लिविंग थिंग बोल सकते हैं जिसको, और कौन सी नॉन लिविंग है. जैसे लैंड है, व्हाट इज दैट, वो क्या है? लैंड क्या है? लैंड है नॉन लिविंग. वाटर नॉन लिविंग, एयर नॉन लिविंग. इसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं लिविंग थिंग्स में. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्म है हमारे टॉपिक का, दैट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन होता क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में या आसान लफ्जों में बोलूं कि पॉल्यूशन होता क्या है, तो मैं आपको सिंपली बता सकती हूँ कि कोई भी प्रोसेस जिससे हमारी जमीन, हमारी हवा या हमारा पानी जो है वो खराब, वो गंदा हो जाता है. क्या हो जाता है? गंदा. और फिर वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है. यानी जितनी भी जानदार चीजें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, उनके लिए फिर वो हार्मफुल हो जाता है. क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दो चीजों का बना है, एक है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग. तो पॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे कि हमारे जो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, यही सारी चीजें जो है वो हमारी हरकतों यानी लिविंग थिंग्स की वजह से क्या हो जाती है? पल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है. तो फिर वो उसका असर तो हम पे ही पड़ेगा ना, क्योंकि गंदा भी हम ही करते हैं एनवायरनमेंट को, और फिर हमें ही फिर वो भुगतना भी पड़ता है. तो पल्यूशन क्या है? पल्यूशन हम बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है, ये जो लैंड, एयर एंड वाटर है ये डर्टी हो जाता है, और फिर जिसका साइड इफेक्ट हमारी लाइफ पे भी पड़ता है. और पॉल्यूटेड हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा सबस्टेंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, यानी एक ऐसा मादा जिसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो पॉल्यूशन को, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं, जिसकी जो वजह होता है, रीजन होता है, काज होता है पॉल्यूशन का, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट. All plants and animals naturally adjust to their environment. However, sometimes such changes occur in the environment that cause harm to living beings. Any change in the environment that is unfavorable to living beings is known as environmental pollution. और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हम जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं? वो नेचुरली एडजस्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट में, यानी अपने माहौल में वो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इसी माहौल में, इसी एनवायरमेंट में थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है, थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो लिविंग बींग्स की जो लाइफ है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, या हम ह्यूमन
हमारी लाइफ पे सॉरी स्टूडेंट्स, बैक टू नेटवर्क, मुझे नेटवर्क की वजह से बैक टू मीटिंग हो गया था. आप लोगों को थोड़ा सा भी सबर नहीं है, मैंने पहले ही बोला था नेटवर्क की वजह से मुझे बैक टू मीटिंग हो गया था. तो हम पढ़ रहे थे पॉल्यूशन. तो ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो आराम से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं. लेकिन कभी कभी जब इसी एनवायरनमेंट में, इसी माहौल में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इन्हीं लिविंग बींग्स यानी एनिमल्स, प्लांट्स या हम ह्यूमंस के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से फिर इस एडजस्टमेंट में डिस्टरबेंस हो जाती है. तो हम पॉल्यूशन बोलेंगे किसे? अगर हमें बोलना होगा कि पॉल्यूशन है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट में हो जाती है, जो लिविंग बीइंग्स के फेवर में नहीं होगी, यानी उनके मतलब उनकी लाइफ जो है, उनकी हेल्थ जो है, वो अफेक्ट हो जाएगी. किसकी वजह से? इस चेंज की वजह से. कोई भी बदलाव जो एनवायरनमेंट में आ जाता है, जो लिविंग बीइंग्स के फेवर में नहीं होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. दिस अनफेवरेबल चेंज में बी कॉज्ड, और ये चेंज किसकी वजह से हो, ये जो बदलाव आ जाता है हमारे माहौल में, इसका रीजन क्या है, काज क्या है? क्योंकि कभी अचानक से हमें हेडेक हो जाता है, तो हमें नहीं पूछते हैं कि कैम सित करो ने मिसकाल दो, क्या वजह, इसने मत कुछ उल्टा सीधा खाया, इसने ये मत धूप में बैठी. इसी तरीके से कोई भी चेंज जो होती है ना, तछासा पर की रीजन, जिसको हम काज बोलते हैं. काज का मतलब हो गया वजह, ठीक है. तो ये जो अनफेवरेबल चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं, ये होता किसकी वजह से है? ये हो जाता है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या तो हमने नेचुरल यानी जितने भी कुदरती वसाइल है उनका इस्तेमाल हमने ज्यादा किया होगा, एक्सेसिस मजास्टूड इस्तेमाल कर, या फिर क्या हो जाता है, हम मिक्स कर देते हैं हार्मफुल सबस्टेंसेस को किस में, लैंड में, जैसे पॉलीथिन इस दबावा जमीन मज, या फिर ये जो फैक्ट्रीज से निकलता है गंदा फोम, उसको हम डाल देते हैं जमीन के अंदर, पानी के अंदर मिक्स कराने अपना वेस्ट वगैरह जो हमारा निकलता है, या तो वो जमीन में डालते हैं, या गाड़ियों से, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, उससे एयर पोल्यूट हो जाती है, हवा शुगा खराब, पानी में जब हम डालते हैं गंदी चीजें, अपना वेस्ट जो हमारा होता है वो हम सारा पानी में डाल देते हैं, डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह ये सब कुछ, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, हमारे एनवायरमेंट जो लैंड है, एयर है, वाटर है, वो इसी वो कौन मतलब इनमें फिर क्या हो जाता है, जब ये मिक्स हो जाते हैं हार्मफुल रिसोर्सेस,
या फिर बहुत ज्यादा मतलब मिकदार में लोग होंगे, मतलब कंजस्टेड एरियाज जो होते हैं ना, ये तो ज्यादा सुजमगुट छ आसान, वहां पे क्या हो जाता है जब नजदीक नजदीक मकान होते हैं या फिर बहुत ज्यादा मिकदार में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं, उस वजह से हो जाती है ये सारी चीजें। तो मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि ये जो पॉल्यूशन है ना, ये पॉल्यूशन किस में हो जाता है, लैंड में, एयर में और वाटर में। कौन करता है ये? हम ह्यूमंस ही बेसिकली करते हैं, हम इंसानी जानवर ये सारे, ये मतलब हमारी ही हरकतें हैं। कैसे? क्योंकि जब हम ओवर यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो जितने भी कुदरती वसाइल हमारे पास है हम उनका एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं, हद खुद ज्यादा तो इस्तेमाल करा, मिक्स कर देते हैं हार्मफुल सबस्टेंसेस को, मिक्स कर देते हैं लैंड जमीन स्मश करान, एयर स्मश करा या वाटर स्मश करा, इनकी वजह से क्या हो जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। और मैंने अभी आपको बोला एक और टर्म है, दैट इज पॉल्यूटेंट, वो हम बोलते किसको है, अ सबस्टेंस दैट कॉजेस पॉल्यूशन, जिसकी वजह से, एक ऐसा सबस्टेंस का मतलब हो गया मादा, एक ऐसा मादा जिसकी वजह से पॉल्यूशन बनता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो जो रीजन है पॉल्यूशन बनने का उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। उसके बाद अमंग द मेजर कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या कॉजेस है, मेजर कॉजेस मतलब मेजर वजूहात क्या है, जो बड़ी बड़ी वजूहात है पॉल्यूशन बनने की, मतलब कैसे ये एनवायरनमेंट हमारा जो है, ये माहौल जो हमारा है ये कैसे आलूदा हो जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन का मतलब क्या है, आलूदगी, ठीक है। तो हमारा ये माहौल कैसे आलूदा हो जाता है, आर द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड केमिकल्स बाई फैक्ट्रीज इन आर सराउंडिंग्स, डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल फ्यूम by automobiles due to burning of fuel, mixing of chemicals, garbage in water bodies and so on. मतलब जो मैंने अभी आपको बोला कि ये pollution किसकी वजह से create होता है, ये जो harmful gases निकलते हैं या chemicals निकलते हैं factories से, बड़ी बड़ी factories होती है उनसे निकलते हैं harmful gases या chemicals शिनेरा, वो फिर हमारे surrounding में हो जाते हैं। जैसे मतलब अगर किसी के फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, सुगरायले ऑब्वियसली वो हवा में मिल जाएगा, या फिर किसी केमिकल ये जो गाड़ियां हम चलाते हैं ऑटोमोबाइल सीटें, तो इस ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट से यूज करा तो उससे क्या निकलता है, हार्मफुल गैस निकलते हैं, तेम सिक्ति शुनेरान बड़ जहरीला धुआं वहां से निकलता है, वो भी किस में एडजस्ट हो जाता है, सुचुरालां का मस एयर मस। इसी तरीके से हम मिक्सिंग करते हैं केमिकल्स गार्बेज अच्छा वाटर बॉडीज मस आबस मस इवन कॉलन मस्त्रावन दरियावन मस्त्रा, उससे वाटर पोल्यूट हो जाता है, या जमीन में हम इन चीजों को दफनाते हैं तो जमीन भी जो है, लैंड भी जो है वो भी पोल्यूट हो जाती है, स्वच्छ घसा आलूदा। पोल्यूशन कैन काज सीरियस diseases to human beings, let's discuss the various kinds of pollution. और जब फिर ये pollution हो तो ये माहौल आलूद शुगा सा, फिर क्या हो जाता है, serious बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो जन्म लेती है, और हम humans में ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां है इसकी main वजह क्या है, यही pollution। तो अब हम discuss करेंगे कि कितने kinds है pollution के, तो mainly जो है वो है 3 kinds, कितने हैं 3, एक हो गया air pollution, water pollution और दूसरा हो गया soil pollution यानी लैंड में जो होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एयर पोल्यूशन, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि होता क्या है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी हार्मफुल गैसेस है, केमिकल्स है या पार्टिकल्स है जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, हवास रिलीज शुगासान, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट काज हार्म टू लिविंग बींग्स और डैमेज टू द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से फिर आम लोगों को, हम इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचता है और हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी खराब हो जाता है, वो डैमेज कर देता है हमारे एनवायरमेंट को। ये जो एयर पोल्यूशन है, अक्सा आपको कुछ बोलना है, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क, अक्सा अनम्यूट योर माइक एंड आस्क, अगर कुछ पूछना है, नथिंग देन लोवर योर हैंड, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो पॉल्यूशन होता है जब ये क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन, इस पॉल्यूशन का वजह मतलब रीजन क्या है, क्या वजूहत है इस पॉल्यूशन के बनने की, सबसे पहले जो स्मोक निकलता है गाड़ियों से, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो एक रीजन है,
जिससे हमारा एयर जो है यू सेंसिट सोन हवा चु आलूद गसा। मेन वजह क्या है, एक तो पहला जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, दूसरा है डंपिंग गार्बेज नियर द रेजिडेंशियल एरियाज, यानी गार्बेज जितना भी निकलता है उसको हम डंप करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे लोग रहते होंगे, रेजिडेंशियल एरिया हो गया जहाँ पे लोग रहते होंगे, ठीक है, वहां पे हमें गार्बेज को डंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ, ईदगाह साइड किंचना इस हमारा जितना भी गार्बेज है हम वो वहां पे फेंक देते हैं। फिर आप लोगों ने नोटिस किया है कभी कभी शाम का टाइम जब होता है तो हमारे घरों में वो अजीब सी बदबू आने लगती है, पूरे हवा में वो फैल गई होती, वो क्या होता है, यही वजह है कि हम क्या करते हैं, गार्बेज को डंप कर देते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में। किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मोहम्मद हादी, आपको नेटवर्क इशू होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हादी का को भी नहीं, मोहम्मद अब्बास को भी नहीं, क्यों आप लोगों को आवाज क्यों नहीं आ रही है? जरा आप नेटवर्क चेक कीजिए अपने फोन्स का। तो तीसरा क्या है, एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेनिंग स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस, यानी फैक्ट्रीज को हम क्या करते हैं, ये जो फैक्ट्रीज जिनसे टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं या स्मोक निकलते हैं, हमने उनको क्या किया है, उनको उनकी वजह से भी हो जाता है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज है उनसे क्या निकलता है, उससे जहरीला धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारा एयर जो है वो पल्यूट हो जाता है। या फिर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक बैग्स को जला देते हैं, तिमोसित तिशुकसा एयर पल्यूट, हवा जो है वो गंदी हो जाती है। तो कितने काज है, पहला है जो गाड़ियों से गंदा धुआं निकलता है, जहरीला धुआं निकलता है, दूसरा जो हम डंप कर देते हैं रेजिडेंशियल एरियाज यानी जहां पे लोग रहते हैं उसी एरिया में हम कर देते हैं गार्बेज को डंप, तीसरा ये जो फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारी एयर जो है वो पल्यूट हो जाती है, चौथा है जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं हम क्या करते हैं, हम इनको बर्न कर देते हैं स्टीम जाला, फिर उससे क्या हो जाता है, उससे हवा में इससे इनसे जो ये गैसेस निकलती है उससे हमारी एयर जो है वो पल्यूट हो जाती है, ठीक है। एयर पोल्यूशन से अब क्या होता है, ये हो गया पहले कि एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, मतलब ये जो हमारी हवा है ये कौन सी चीज से आलूदा हो जाती है, ये किम चीज किमो चीजों से छुगसा सोन हवा यूश उस किमो चीजों से छुगसा आलूद गंद किमो चीजों से छुगसा। तो पहला है जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, दूसरा है जो हम डंप कर देते हैं गार्बेज रेजिडेंशियल एरियाज में या फैक्ट्रीज वगैरह से जो धुआं निकलता है उनसे भी हमारी हवा जो है वो पल्यूट हो जाती है, या फिर हम प्लास्टिक बैग्स वगैरह जला देते हैं जिनसे टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो जाते हैं। अब तो हो गया, एयर पल्यूट हो गया, फिर इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है, एयर जब पल्यूट हो जाता है तो उससे फिर एलर्जीज मतलब ये जो बीमारियां है बहुत सारी वो जन्म लेती है, जैसे अस्थमा है, खांसी है, थ्रॉट इरिटेशन होती है, या आंखों में पानी आ जाना, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आप लोगों ने देखा है कभी गुंजाई थी छोट छान डाला जालान तमीज क्या शुगर सा हमें खांसी आने लगती है, या हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है, या हमें गले में प्रॉब्लम होती है, हम सांस नहीं अच्छे से ले पाते हैं, ये सारे रीजंस क्या है कि हम ये जो एयर पोल्यूट हो गई है, ये जो हवा गंदी हो गई है, इसी की वजह से ये सारी बीमारियां जो है जन्म लेती है, ठीक है। आज हम इधर तक ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे लास्ट हमारा जो है वो है प्रिवेंशन, इसके साथ ही हम कंक्लूड करेंगे कि मतलब हम कैसे बचा सकते हैं हवा को गंदा होने से, कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमारी जो ये एयर है हवा जो है वो साफ रह सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाने हैं, अच्छे ज्यादा को ज्यादा कूल वावन, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाते हैं तो उससे ये पोल्यूशन कम हो जाएगा। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार पोलिंग एंड बाय यूजिंग कंप्रेसिव नेचुरल गैस इन ऑटोमोबाइल्स एज दीज फ्यूल्स आर लेस पोल्यूटिंग। हमें क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहले हमें एयर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए, मतलब और ज्यादा एयर पोल्यूट ना हो जाए, हम कैसे बचा सकते हैं हवा को और ज्यादा आलूदा होने से, तो सबसे पहले हम उगाएंगे पेड़, प्लांटेशन करेंगे ट्रीज की, दूसरा हम कार पोलिंग करेंगे, कार पोलिंग, ठीक है।
तीसरा है कि हम अपनी गाड़ियों में नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस जो है उनका इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा क्योंकि वो वाले फ्यूल्स जो ये जो नेचुरल गैसेस होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस वो जो हम यूज करते हैं इनमें ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं उसके बनिस्बत इनसे कम धुआं निकलता है, ठीक है, हमारी गाड़ियों से कम धुआं निकलेगा, कम एयर पोल्यूट होगी, किन की वजह से, अगर हम क्या करेंगे, हम अपनी गाड़ियों में नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गाड़ियों से कम धुआं निकलेगा, ठीक है। तो तीन चीजें हमने सीखी जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, यानी जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि फर्दर जो जितना भी एयर पोल्यूट हुआ है उसको हम और ज्यादा पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। एक तो हमें प्लांटेशन करनी है यानी पेड़ ज्यादा से ज्यादा उगाने हैं, और हमें कारपोलिंग करनी है, और तीसरा हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करना है अपनी गाड़ियों में, ठीक है, क्योंकि वो इनके बनिस्बत लेस हार्मफुल होते हैं जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, इधर तक आपको समझ आया? यस ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आया है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिससे मुझे भी पता चलेगा कि वाकई आपको समझ आया कि आप सिर्फ यस मैम कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन जिस बच्चे को पता होगा वो सिर्फ हैंड रेज करेगा, एक साथ सारे बच्चे माइक अनम्यूट नहीं करेंगे। एनवायरमेंट हम बोलते किससे है, व्हाट इज एनवायरमेंट, होता क्या है? खली हुरैन फयाज को पता है, बुरहान अली, दुहा, बासित, चार बच्चों को सिर्फ समझ आया है कि एनवायरमेंट क्या होता है। मैंने जबकि तीन बार रिपीट किया कि एनवायरमेंट में क्या क्या आता है। वेयर इज मोहम्मद नबील, आपको नहीं समझ आया मोहम्मद नबील एनवायरमेंट क्या होता है? मेरी 12:10 तक मोहम्मद नबील, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मोहम्मद नबील, ओके ओके, चलिए दुहा जहूर, आप मुझे बताइए क्या होता है एनवायरमेंट? मैं आसपास का माहौल, हाँ, उसमें क्या क्या आता है? ओके, हमारा जो एनवायरमेंट है दोनों चीजें आती है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। ओके, तो आप मुझे बता सकती हो कि लिविंग में क्या क्या आता है और नॉन लिविंग में क्या क्या आता है? मैम लिविंग में आता है प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, नॉन लिविंग थिंग में लैंड, एयर, वाटर। ओके ठीक है, ओके, नाउ म्यूट योर माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि पॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज पॉल्यूशन, डिफाइन। Huran Fayaz, unmute your mic and answer. मैम पॉल्यूशन होता है जो गाड़ियों से फैलता है ना पॉल्यूशन, आलूदगी, पॉल्यूशन हुआ आलूदगी, जो गाड़ियों से फैलता है, जो कूड़ा डालते हैं उनसे फैलता है पॉल्यूशन, वो हो गया बच्चे एयर पॉल्यूशन। मैंने आपको सिंपली बोला कि पॉल्यूशन होता क्या है, वो जो बता रहे हो गाड़ियों से फैलता है, हम कूड़ा डालते हैं, वो हो गया बच्चे एयर पोल्यूशन। लेकिन सिंपली अगर आपको मुझे समझाना होगा, आपको ऐसा समझना है कि आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे बताओ कि होता क्या है पोल्यूशन, सिंपल टर्म पोल्यूशन, एयर नहीं, एनवायरमेंट। हाँ पोल्यूशन होता है आलूदगी। आलूदगी का मतलब किस में होती है आलूदगी? हवा में। हवा में ही खाली नहीं, एनवायरमेंट में भी होती है पूरे देखो हुरैन, आपने आंसर थोड़ा थोड़ा सही बोला, लेकिन शायद आपको लास्ट का टॉपिक दिमाग में अभी है कि जो हमने पढ़ा, लास्ट का टर्म हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन, आपको वो ज्यादा अच्छे से याद है, पहला वाला आपको भूल गया है। मोहम्मद नबील आप बताओ, सिंपली आपको बताना है कि पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन होता है जो एनवायरनमेंट में होता है।
क्या होता है एनवायरनमेंट में? जो एनवायरनमेंट में चेंजेस लाता है। हाँ, लेकिन कौन सी चेंजेस, फेवरेबल के अनफेवरेबल? मतलब जो एनवायरनमेंट के अच्छे के लिए होती है कि लिविंग थिंग्स के लिए, अच्छे के लिए होती है कि लिविंग थिंग्स को उनसे मतलब उनका उस पे बुरा असर पड़ता है? बुरा असर पड़ता है। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी बच्चा कि होता क्या है पॉल्यूशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉल्यूशन है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे एयर है, लैंड है, वाटर है, ये सारे थिंग्स जो है ये डर्टी हो जाते हैं एक सबस्टेंस से जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉल्यूशन एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा बदलाव है हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स के फेवर में नहीं होता है, उनके फेवर में, लिविंग थिंग्स के फेवर में नहीं होता है, जो लिविंग थिंग्स के हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स के लिए अनफेवरेबल होता है, ठीक है। तो क्या होता है पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हम उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ये डर्टी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डर्टी यानी गंदे हो जाते हैं। और फिर जब ये गंदे हो जाते हैं और इनका असर फिर हमारी लाइफ पे पड़ता है, यानी लिविंग थिंग्स की लाइफ पे पड़ता है। गंदा हो जाता है नॉन लिविंग वाला कंपोनेंट, लेकिन साइड इफेक्ट किस पे पड़ता है? लिविंग कंपोनेंट पे। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा बच्चे, तो आपको ये याद रखना है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हम बोलते हैं उस चेंज को जो लिविंग थिंग्स के फेवर में नहीं होती है, ठीक है। जो भी चेंज आ जाती है एनवायरमेंट में, माहौल में जो भी चेंज आ जाती है, जो भी बदलाव आता है, जो लिविंग थिंग्स के, चाहे हम ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हमारे फेवर में नहीं होता है, वो चेंज हमारे खिलाफ होता है। उसके उस चेंज की वजह से हमारी जो लाइफ है, हमारा जो ये है सर्वाइवल है, वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारी लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। उस चेंज को हम बोलते हैं पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। और पॉल्यूटेंट हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा सबस्टेंस जो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? ओके, हुदा जहरा, रोल नंबर 32, आप बताओ बच्चे, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है वो हम किससे बोलते हैं? पूरन, आप बताओ। पूरन, हादी आपने आपकी माइक पर एयर पोल्यूशन होता है जो हम, फिर से माइक अनम्यूट करो पूरन, आपकी माइक ऑफ हो गई। एयर पोल्यूशन मैं मैंने खोली। एयर पोल्यूशन होता है जो हवा में आलूदगी होती है, वो आलूदगी होती है एक तो स्मोक की वजह से, और जो ये कूड़ा फैलाते हैं, और जब वो फैक्ट्रीज में करते हैं वो काम, उससे भी धुआं फैलता है, और जब गैस स्मोक की वजह से, और ये पॉल्यूशन होता है हवा में। हाँ, तो बच्चे आपने सही बोला, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते थे, आपने सही बोला कि एयर पॉल्यूशन हो गया हवा में आलूदगी होना, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि जो जितने भी हार्मफुल गैसेस हवा में रिलीज हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं, जिनकी वजह से फिर हमारा जो एनवायरमेंट है वो डैमेज हो जाता है और लिविंग थिंग्स को भी नुकसान पहुंचता है। हवा में, हवा को आलूदा जो चीजें करती है उसमें आता है स्मोक जो गाड़ियों से निकलता है, दूसरा है जो हम गार्बेज को डंप करते हैं, तीसरा है
फैक्ट्रीज वगैरह से जो धुआं निकलता है, जो टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, और जब हम प्लास्टिक वगैरह को बर्न करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए, ओके स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का टाइम हो गया, सॉरी, अब हम और डिस्कस नहीं कर सकते, इंशाल्लाह बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पीडीएफ सेंड करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको बुक वर्क भी दिखा के है और क्वेश्चन आंसर्स भी। सबसे पहले आप बुक वर्क करेंगे, वो फर्स्ट दो पेजेस पे है आपको, फिर उसके बाद आप अपना होमवर्क करेंगे क्वेश्चन आंसर्स वाला। लेकिन आप अपनी साइंस नोटबुक पे पहले इंडेक्स बनाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? और मैंने बनाया है। ठीक है बच्चा, जिसने बनाया उसको नहीं बनाने की जरूरत है, मैं उनको बोल रही हूँ जिन्होंने नहीं बनाया है। आया समझ? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।